वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर अब पूरे देश में सियासत गरमाई गई है। उडुपी जिले के मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को उस समय तनाव काफी बढ़ गया जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थियों और हिजाब पहनी छात्राओं के दो समूह ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुए और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। हिजाब विवाद में अलग अलग लोग अपनी राय रख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लड़की चाहे बिकनी पहने, जीन्स या हिजाब, वो उसकी इच्छा है। अब कोर्ट ने सभी प्रदर्शनों पर रोक भी लगा दी है। रोजाना नई खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा ताकि सभी स्कूली विद्यार्थियों में समानता की भावना सुनिश्चित की जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। हालांकि अब इस सब के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल से एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ मुस्लिम समाज की लड़कियों ने कर्नाटक की घटना पर अपना विरोध दर्ज करते हुए हिजाब पहनकर क्रिकेट खेला और कहा कि हम हिजाब पहनकर खेलने भी जा सकते हैं और पढ़कर आईएएस भी बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर हिजाब पहनने का कोई दबाव नहीं है। हिजाब हमारा हक है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे भी। जहाँ तक हमसे लड़ते बनेगा, हम हमारे आगे की पढ़ाइयाँ भी इसी में मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह हम जो भी बनेंगे, आईएएस बने, हम डॉक्टर बने, हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं और हमें इसमें अच्छा लगता है। ये किसी का प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हम हिजाब पहने, ना हमारे टीचर्स का ना हमारे पेरेंट्स का, ये हमारी खुद की चॉइस है और हम आगे भी इसी के साथ बढ़ेंगे। इसमें ये हमारी पहचान है, हिजाब हमारी पहचान है और आगे भी हमारी पहचान ही रहेगी। आपको बता दें, नए साल और हिजाब विवाद की शुरुआत एक साथ हुई। कर्नाटक के उडुपी में शनिवार 1 जनवरी 2022 को कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक दिया गया। उनका आरोप था कि हिजाब पहने होने के कारण उन्हें क्लासरूम में नहीं आने दिया गया। मुस्लिम लड़कियों का आरोप था कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं आने दिया। प्रिंसिपल का तर्क था कि कक्षा में एक नानता रूप बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।